सब कभी नहीं होगा जीजा जी, क्योंकि आप लोगों ने हमारी जिंदगी को ही बदल दिया। हमको तो इस बात का डर है कि हमारे जाने के बाद दुर्गा के बिना नताशा कैसे रहेगी। दुर्गा कहीं नहीं जाएगी। मतलब ये कि दुर्गा हमारी बेटी है। वो हमें छोड़ के गोरखपुर नहीं जाएगी। हम खुद से अलग नहीं कर सकते। आप लोग जाइए। रणवीर बाबू, नताशा की बातों को जरा से भी दिल से मत लगाइएगा। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। दुनिया में सबसे बड़ा दुख संतान का ना होना होता है। नताशा, बेकार में परेशान हो रही हो। अरे दुर्गा तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारा जब भी मन करे उससे मिलने आ जाए करना। क्या तुम लोग सच में चले जाओगे? तो फिर हमारी दुर्गा भी? रवि बाबू, आप जानते हैं मेरी कुछ संतान नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्गा मेरे पास ही रहे? एक निसंतान पति पत्नी आपसे आग्रह कर रहे हैं, बाकी आगे आपकी मर्जी। सुनील जी, मैं आज ये ऐलान करता हूं कि दुर्गा सिर्फ आपकी और नताशा जी की बेटी। हमेशा रहेगी। बेटी है और हमेशा रहेगी। बस हम तो ये चाहते हैं कि उसकी परवरिश हम करें। बस इसलिए उसको हम अपने साथ गोरखपुर ले जा रहे हैं। सुनील बाबू, हम तो ये चाहते हैं कि दुर्गा का कन्यादान आप और नताशा जी करें। तो क्या हम समझे कि दुर्गा हमारी? काबिल है शुदा? हाँ? काबिल? पता नहीं क्या सर चकरा गए। रात भर ठीक से नींद भी ना आई। 2 मिनट रुका, अब आइन ठीक करा था।
ये देखा, ये है नवरत्न तेल। अबहिन तुहार सर में लगाई, अबहिन तुहार सब दर्द दूर। ना, बाल खराब हो जाई, अभी ऑफिस भी जाएगा। अरे ये तेल से तुहार सर के दर्दो दूर होई, अब बाल एकदम कोमल नरम मुलायम हो जाता। चला देखा, देखा तो सही। ये तेल बहुत ही बढ़िया बा, देखा भाई। जब सर में दर्द हो जाए और नींद भी ना आए तो नवरत्न तेल को लगाए, तेल को लगाए। वाजी वाजी वाह, नवरत्न तेल, नवरत्न ठंडा ठंडा तेल। अरे वाह, ये तो कमाल हो गई। ना कमाल, ये आपके चंपी का ना इतना नवरत्न तेल का कमाल है। आ भाई, चला अब पूरे दिन कहीं भी जा और कहीं भी आवा, ठीक बा? गुड मॉर्निंग रणवीर बाबू। गुड मॉर्निंग सुनील बाबू, बैठिए। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह, कोई खास वजह है क्या? हम पुलिस वाले बगैर वजह कहीं जाते नहीं है, कोई ना कोई वजह तो होती है। भैया पुलिस वालों की वजह से पाला पड़ चुका है, क्या पता किस जुर्म में जेल में डाल दें। ऐसी कोई वजह नहीं है। अरे सुबह सुबह एक जरूरी काम से जा रहा था, नताशा ने बोला जाते जाते यशोदा और रणवीर बाबू को डिनर के लिए इनवाइट कर लेना। क्या सुनील बाबू, ये कोई वजह है? ये तो मेरे फायदे की बात है, काम का आपने डरा दिया है। हर ओहदे की अपनी भाषा होती है और हम पुलिस वाले कोई ना कोई बात को जामा पहना देते हैं। अरे यशोदा जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं? नहाने गई, आती होंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रणवीर बाबू चाय की तकलीफ ना करें, आजकल हम पुलिस वालों को सही टाइम पर ऑफिस पहुंचना पड़ता है। अरे दो मिनट रुकिए तो, ऐसी क्या बात है, मिलते तो जाइए। वैसे भी हम शाम को डिनर पर तो मिल रहे हैं ना, तो टाइम पे आ जाना। जो हुक्म सरकार। ओके दिल, बाय बाय। अरे जीजा जी चले गए? हाँ उनको कुछ जल्दी थी, वो निकल गए। अरे लाओ भाई ये चाय मुझे ही पिला दो। तुम्हारे सब दोस्त कितना बढ़िया बा, लगता ही नहीं देख के कि हम सब पराया बानी। दोस्त भी किस्मत से मिला था। सही बात, और तुम्हार जैसा पत्नियों तो किस्मत से मिला था। ज्यादा रोमांटिक ना बनी, आज हमके बहुत लोगन से मिले के बा और ढेर सारा काम भी निपटाए के बा। हम हाथ बटाई, ये गोरखपुर ना मुंबई हा, यहाँ का जीवन जिए खातिर बहुत कुछ सीखे का पड़ी। यहाँ बहुत भाग दौड़ करे का पड़ता है, टाइम पे हर काम, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना। अच्छा सुनी, अगर अकेले मन ना लगी तो नताशा के यहाँ चल जाएगी और
दुर्गा के संग टाइम भी पास हो जाए। और फोन बा हेलो हेलो यशोदा जी प्रणाम, मैं सुधा बोल रही हूँ। कौन सुधा? चार बाग वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो सुधा, कैसे याद किया? यशोदा जी, मुझे आपसे मिलना था और आज ही। आज तो नहीं मिल पाऊंगी, आज बहुत काम है। यशोदा जी 5 मिनट के लिए सही, बहुत जरूरी है। देखो सुधा, हम घर तो नहीं आ सकते, ऑफिस के पास मिल लेते हैं। हम तुम्हें अभी ऑफिस का एड्रेस SMS करते हैं। ठीक है, मैं वहां पर पहुंचाऊंगी। ठीक है। बेटू पापा, जा जा जा, कम कम कम, आजा आजा आजा। दुर्गा को भी आप लोगों की बहुत याद आएगी नताशा। अरे मुझे लगता है अगर ये बोलती होती ना तो ये कह देती कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, नताशा मम्मी के साथ रहूंगी। जीजू के इरादे तो ठीक है ना, पता चला दुर्गा के यार में दो दो मम्मियों को पालना पड़ रहा है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी हवेली है, सैकड़ों एकड़ की खेती है, दो मम्मियां भी पल जाएंगी, क्या है। अच्छा जीजा जी, आप इसके साथ खेलिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नताशा चाय रहने दो, कोई बात नहीं। मुझे तो लगा आप यशोदा के साथ मुंबई घूमने जाने वाले, इसलिए सुबह ही सुनील से कह के ये मैसेज भिजवा दिया था। अरे नताशा, जाना मैं भी चाहता था, लेकिन जब यशोदा ने कुछ नहीं कहा तो मुझे लगा पता नहीं शायद वो मुझे नहीं ले जाना चाहती होगी। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। हो सकता है उसे इधर उधर जाना पड़ा होगा, इसीलिए वो आपको परेशान करना नहीं चाहती होगी। नहीं, ये बात सही है, करेक्ट। अरे नताशा, ये एक मेरे दोस्त का एड्रेस है, तो ये देखो जरा, ये बता सकती हो कहाँ पर है? अरे ये तो वही है जहाँ यशोदा का ऑफिस है। अरे वाह, अगर आप जाना चाहते हो तो बोलिए, मैं बता दूंगी। प्लीज बताओ, मैं उसको सरप्राइज दे देता हूँ। जीजा जी, बाहर जाइएगा, वहाँ चौराहे पे से रिक्शा पकड़िएगा, रिक्शे वाले को कहिएगा क्रिस्टल प्लाजा, वो आपको लेके चला जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे वाह, एक काम करता हूँ, अपने दोस्त से मिल लेता हूँ, अरे यशोदा को उसके ऑफिस पहुँच के सरप्राइज दे देता हूँ। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। अरे तुम बैठो 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 बैठो, चलो साहब, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, दहेज के नाम से मेरे ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा भी नहीं कि उन लोगों को दे सके। अब उन लोगों से इतनी दूर आ गए कि माँ बाप का भी मदद नहीं मिलेगी, अब तो मेरी जान का भी खतरा है। देखो तुम परेशान मत, तुम मेरे पास आई हो तो मेरा ये वादा है कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा,
तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, समझी? तुम जाओ, मैं तुम्हारे केस की फाइल देखता हूं। जी सर। ओ यशोदा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, तुम्हारा फेवरेट केस आया। इस फाइल को पढ़ो और मुझे बताओ। सॉरी सर, हमें बड़ा दुख है कि आपके साथ काम करने का हमें बहुत कम मौका मिला। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? दरअसल सर, हम हमेशा के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। हमारे पति हमें लेने आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम गोरखपुर जा रही हो, तुम अपने परिवार वालों के साथ जा रही हो, बट लेकिन यहाँ इतने केस हैं, इतना काम है, ये सब कुछ इस तरह छोड़कर अचानक कैसे जा सकती हो? घर से निकलना भी तो अचानक ही हुआ था सर। हमारी जिंदगी में तो जो कुछ भी होता है अचानक ही होता है। इतने सारे केस, इतनी फाइलें, मुझे कुछ इस बारे में पता ही नहीं है, और तुम जानती हो कि मेरा कोई असिस्टेंट भी नहीं है इस वक्त। सर वही तो बताने आई हूँ। सर मिस्टर राघवन की फाइल हमने दीपक जी को दे दी है और बाकी सारी फाइलें भी हमने आपके डेस्क में लगा दी हैं। कुछ करने आई थी, आपका साथ मिला तो यहाँ तक पहुँच गई। हम ठाकुरों का खानदान ही ऐसा है, पढ़ाया लिखाया जाता है और उसके बाद चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है। मान सम्मान ओहदे की रक्षा करते करते पूरी उम्र निकल जाती है और पता ही नहीं चलता। फिर हम औरतों को आदत सी पड़ जाती है ऐसी जिंदगी जीने की, जिसमें घर के पुरुषों की आज्ञा और उनके विचार हो। बस अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे This is not done. Knock करके आना तो चाहिए तुम्हें। Sorry sir, मुझे दरवाजा knock करके ही आना चाहिए। आप? तुम्हें जानती हो? Sir, ये हमारे पति हैं। Oh, I'm really sorry. मुझे पता ही नहीं था कि आप यशोदा के पति हैं। कमाल करती हो। अरे तुम्हें तो बताना चाहिए था कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ आए हैं। सर हम खुद हैरान हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कि यहाँ कैसे। इसमें हैरान होने की बात है वकील साहब, बंबई मेरे लिए नया शहर और यहाँ तक पहुँचना ही शायद मेरे लिए मुश्किल बात थी। अब पहेलियाँ मत बुझाइए, बताइए आप यहाँ कैसे आए। आपने अकेला कर दिया तो सोचा बोर होने से अच्छा है कि थोड़ा बंबई ही घूम लूं। वकील साहब, इसी बिल्डिंग में मेरे दोस्त आकाश का ऑफिस है। अरे हाँ हाँ आकाश, जानता हूँ मैं, उसका केस खड़ा था। सोचा उससे मिलते हुए इनसे भी मिल लूँ। क्यों? अच्छा सर, अब हम चलते हैं। यशोदा, तुम्हारे लिए मेरे घर और मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, तुम जब चाहो आ सकती हो। यशोदा जी,
मैं बाहर इंतजार करता हूँ, अगर कुछ पर्सनल हो तो देख लीजिए। वैसे तो बहुत कुछ पर्सनल है, लेकिन अभी नहीं, अभी सर हम जल्दी में हैं। यशोदा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। I'm really sorry. तुमने मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं तुम्हारे लिए एक पार्टिंग गिफ्ट देता। अरे सर, गिफ्ट की क्या जरूरत है, बस आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। यशोदा, मेरे घर और मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। सुनील जी, मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि दुर्गा सिर्फ आपकी और नताशा जी की बेटी है। नताशा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अरे दुर्गा तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारा जब भी मन करे उससे मिलने आ जाएगा। सुनील बाबा, हम तो ये चाहते हैं कि दुर्गा का कन्यादान आप और नताशा जी करें। तुमने यशोदा को दुर्गा देने की बात स्वीकार करके एक मां की ममता को जगा दिया है। नताशा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। कुछ नहीं समझ सकते आप, दुर्गा के बिना रह पाना कितना मुश्किल है। जब यशोदा दुर्गा को लेकर आई थी तो उसे सीने से लगाते ही मेरी ममता जाग उठी थी। दुर्गा को पाकर लगा कि जैसे हमें हमारी दुनिया ही मिल गई हो। दुर्गा को रोते हुए हंसाया, उसे लोरिया गाकर सुलाया, और जब दुर्गा खेलने लायक हुई तब संभालो अपने आप को। मैं तुम्हें दुखी देखकर अपने आप को ही माफ नहीं कर सकता। कैसे संभाले अपने आप को, आपको क्या पता कि दुर्गा के बिना जीना हमारे लिए कितना मुश्किल है। आप नहीं जानते सुनील, दुर्गा के आने के बाद हमारी जिंदगी का सोनापन दूर हो गया था। घंटों बैठकर आपका इंतजार करना दुर्गा के आने के बाद कितना प्यारा हो गया। नताशा, दुर्गा को भूल जाना हमारे लिए अच्छा होगा। कैसे भूल जाए, क्या आप भूल पाएंगे दुर्गा को? कह देना बहुत आसान होता है। क्यों नहीं,
भूल जाऊंगा उसको मैं, क्यों याद करूं, कभी नहीं याद करूंगा। मैं जानता हूं दुर्गा थोड़ी हमारी बेटी है, तुमने तो सिर्फ संभाला है उसे। ऐसा कहकर आप हमारी ममता का अपमान कर रहे हैं। अरे मजाक तुम्हारे, किस्मत उड़ाया है। किस्मत को दोष देकर कोई फायदा नहीं है सुनी। ऐसा कहकर आप सिर्फ अपने आप को मना सकते हैं, लेकिन सच्चाई से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और सच तो यह है कि दुर्गा के बिना रह पाना बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं रह सकते हम दुर्गा के बगैर? पहले भी तुम इस घर में खुश थे, और अब क्यों नहीं खुश रह सकते? इतना मत टूटो कि हम अपने आप को संभाल सके। आपको ऑफिस जाने का वक्त हो गया है, मैं आपके लिए वर्दी तैयार करती हूँ। तुमने तो अपने दिल की बात कह दी, मैं अपने दिल की बात किससे कहूं? दुर्गा के बगैर रहना कितना मुश्किल है, मैं ये समझ सकता हूं। बलदेव भैया, बलदेव भैया, प्रणाम भैया। बलदेव भैया, आपका ही नकारा निकम्मा भाई जे हमेशा दंगा फसाद मारपीट करत रहे, आज वो अपन भतीजी मेघा का ब्याह शहर का विधायक नारायण सिंह का बेटा अभय सिंह से तय करके आयल बन। बस आपका रजाबंदी चाहिए भैया। हमनी के मालूम है कि तू हवेली खातिर कुछ गलत ना सोच सकेला। अरे तू हवेली के रक्षा कवच बाड़ा। अरे आज हम बहुत खुश बानी कि तू बदल गई ला। समाज असम्मान के बात कर रहल बारा। देखा हम मेघा के बोलवाले बतानी, तू रिश्ता के बात तय करा। तब तक रणवीर और यशोदा भी आ जाई हैं, अब मेघा के ब्याह की हवेली का अरे पूरा इलाका देखी। रह रह के एक ही बात हमारे मन के दुखी कर देता भैया। कभी कभी लगा था कि जिंदगी कहां करी, कहां जाके खत्म कर दी। प्रताप, तोहरे मुंह से ये निराशाजनक बात अच्छा नहीं खे लागत। तू काहे ये सब बात सोचत बड़ा? हम है ना ये सब बात सोचे खातिर। ये सब हमनी का कर्म का सजा है। माँ एगो पोता खातिर ये घर का खुशी का बलि चढ़ा दे ली, और हमनी के बेवकूफी की वजह से यशोदा घर छोड़कर चल दी। हमार हिम्मत ना होता कि यशोदा से हम बात करें। ओकरे सवाल के कोनो जवाब नहीं है भैया, हमारे पास कोनो जवाब नहीं है। देखा प्रताप, तू परेशान मत होका। रणवीर कैल बाड़े ना, यशोदा के आते ही ये घर में फिर से खुशी आ जाए, और दुर्गा के किलकारी ये हवेली में फिर से गूंज उठी। भगवान करे ऐसे नहीं हो भैया। भैया मेघा का ब्याह का बात हम अम्मा के बता दे। बता नहीं ठीक बचा तू। This is not done. Knock करके आना तो चाहिए तुम्हें। Sorry sir. अच्छा
सर, अपन चलते हैं। यशोदा, तुम्हारे लिए मेरे घर और मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुम जब चाहो आ सकते हो। रिक्शा वाला से क्या बात हो गई? और आप इतना गुस्सा काहे होत रहे? रिक्शे वाला परेशान करत रहे का? ना, वो तुहार सुंदरता के निहारत है। आप ठीक था बानी? अब ई का कहता नहीं? मर्द है यशोदा, अगर हमार औरत के कोनो गैर मर्द देखी का अच्छा न रहे, हमार औरत कोनो गैर मर्द के साथ हंसी बोली, हमार तो कलेजा फट भाग गए। सर ने मर्द मर्द होकर उत्तू बना दी। आपका ऐसा रूप तो हम कबहू ना देख ले रहे। ऐसा रूप तो हम ना देख ले। इंसान कब बदल जाते है पता ही नहीं चला। कौन सी बात हो गई कि ये इतना नाराज बानी? ना ये हम कैसे सह पाए? समाज के अपन चेहरा कैसे दिखा पाए? ये हवेली में एक एक करके सब बर्बाद हो रहा है। हे भगवान, बेटी पैदा कैले से पहले माई बाप के मार दिया जाए या समाज के रीति रिवाज के खत्म कर दिया जाए, का जवाब है हमारे पास? अब कैसे बताएं प्रताप के कि मेघा के ब्याह? भैया, भैया का कैसे मेघा से बताएं? ये अकेले में कहां बड़बड़ाता बड़ा? सब ठीक बा ना? आपके कहां लगा था? मेघा के रिश्ता पसंद ना आई? अरे हाँ प्रताप, हम यही सोचत रहनी कि हम मेघा से कैसे बताएं कि तोहार चाचा इतना बड़ खानदान में शादी तय कर देले बारन। अरे तू रानी बन के राज करबो। देखो भैया, हम अपन बिटिया के बहुत प्यार करेला, लेकिन हमारे प्यार का तरीका अलग है। मेघा तो विधायक के घर जात बड़े, रणवीर का तीनों बेटी के विधायक और मंत्री के घर न छिपली तो हमार नाम प्रताप सिंह ना। ताकि दो चार को मर्डर कैला पे पुलिस घर तक ना पहुंचे, यही ना तोहर कहे के मतलब बा? ये इतिहास, पुराण, ग्रंथ हमारे जीवन में निहित है और इन्हीं से हमारा संपूर्ण जीवन की आदि, अंत और अंत का रहस्य है। अरे सुनील बाबू,
जीवन के मार्गदर्शन को मैं भी मानता हूँ। लेकिन कितने लोग इन ग्रंथों का अनुसरण करते हैं? मैं तो मानता हूँ, मैं मानता भी रहूँगा। सुनील बाबू, भगवान राम एक अंतर्यामी थे, लेकिन सीता हरण हुआ, राम रावण युद्ध भी हुआ, और भगवान राम उन्हें लंका से लेके भी आए, वो सब कुछ जानते थे। लेकिन इसके बावजूद समाज के लिए और आने वाले युगों के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ना। और आपका यशोदा मिशन? क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, दैवो न जानो कुतो मनुष्य। क्या बात है सुनील, क्या हो गया? दुर्गा नहीं मिल रही है। अरे यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी? देखो तो सही, सारा घर छान डाला, नहीं दुर्गा मिल रही है। क्या ये क्या कह रहे हो तुम लोग? कमाल है, तीन तीन लोग घर में हैं और एक बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते आप लोग। एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर के देखती हूँ। बाहर मैं देखती हूँ, मैं पूनम के घर पे जाके देखती हूँ, क्या पता वहां कुछ पता चल जाए। जाओ जाओ जाओ। हेलो पुलिस स्टेशन, हाँ कामले, वायरलेस और आस पास के सभी पुलिस स्टेशनों पर ये खबर भेजो कि अभी दो घंटे पहले 2.5 साल की बच्ची हनुमान नगर से गायब हुई है। बच्ची ने पीला फ्रॉक पहना हुआ है, बच्ची को फौरन तलाश करवाओ और मुझे जल्दी इन्फॉर्म करो। जीजा जी, यशोदा ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूं कि आप कितना परेशान है। नताशा भी इधर उधर भाग रही है, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दुर्गा आपकी भी तो बेटी है ना, आपका फर्ज नहीं बनता कि कुछ करे? यशोदा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने हर जगह इंफॉर्मेशन भेज दी है, दुर्गा आधे घंटे में मिल जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे दुर्गा का कोई ख्याल नहीं है? क्या कर रहे हैं आप, तब से तो यही खड़े हुए हैं ना। तुम इधर उधर घूमकर आगे तुम्हें मिल गई दुर्गा? अरे बच्ची है, किसी के हाथ लग जाएगा वो पहुंचा देगा, इतना परेशान होने की बात? कोई नहीं पहुंचाएगा, बाहर जाकर लोगों की बातें सुनिए तब समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं लोग?
कह रहे हैं कि धारावी से एक बच्ची चोरी हुई थी जो आज तक नहीं मिली। तो कोई कह रहा है कि जब बच्ची संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? चीजा जी आप प्लीज कुछ करिए, हमारी दुर्गा को ढूंढ ले आइए। मैं तो पूनम के भी घर पर देख के आई, बट दुर्गा का वहां पर भी कोई पता नहीं चला। रणवीर, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूं। हे भगवान, मेरी दुर्गा की रक्षा करना। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या सुनील जी का घर यही है? हाँ यही है। आपको किससे मिलना है? मुझे यशोदा जी से मिला था, क्या वो यहीं पर रहती हैं? हाँ यही रहती हैं। उन्हें बुला सकते हैं आप, मुझे उनसे मिलना था। जी नमस्ते यशोदा जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस सब ठीक है। मैं आपके घर पर गई थी, वहां पर जाके पता चला कि आप घर पर नहीं है। दुर्गा बेटी के बारे में भी पता चला, कैसी है वो, क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला सुधा, हम सब बहुत परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है, पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची। बच्ची है वो, हो सकता है किसी के साथ चली गई हो, शाम तक वापस घर आ जाए। यही सोचते सोचते तो इतना वक्त निकल गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी दुर्गा कहाँ है। हमारी दुर्गा मिल जाएगी यशोदा जी। देर हो रही है, अब मैं घर चलती हूँ। यशोदा जी आपका फोन। ये शायद मैसेज आया कोई। तुम बैठो सुधा। मैं दुर्गा बेटी के लिए लाई थी, उस वक्त मैं गिफ्ट लाई थी तब आपने लिया नहीं, आज मैं ये दुर्गा के लिए गिफ्ट लाई, आज दुर्गा यहाँ पर नहीं है। अब मैं उसके आने पर ये गिफ्ट दूंगी। हाँ सुधा, जब हमारी बच्ची आ जाएगी तब उसे ही तुम दे देना। तो गोरखपुर जाना समझो कैंसिल ही है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ठीक है सुधा।
सवेरे से सांझ हो गई, पता ना हमार दुर्गा कहां हुई, कौने हाल में होगी। अभी तक नताशा भी ना आई और चीजा जी के भी पता नहीं थे। हमके तो लगा था दुर्गा कोनो मुसीबत में बा, तो तोहरे वजह से कोई गल चौक पूरा घर से बाहर जाए के हैं। ये तो अच्छा बा कि सीमा और नेहा अपनी नानी के पास बाड़े, ये तो उन्हों को उठा के लेके जाते। हमके कोनो शौक ना रहे, आप और आपके अम्मा हमके मजबूर कैले रहनी घर से बाहर जाए खाते, और हम का करते, बच्ची के बलि चढ़वा देती या फिर उनके साथे खुद बलि चढ़ जाती। ताप का होता आज तक तो कुछ ना भाई, जात के समय दुर्गा गायब, कल के तू गायब हो जाओ, हमके तो कोई शहर में जाना तो ना हमों के उठा के ले जाई, क्योंकि पता होना चली। अब कहल का चात बानी साफ साफ बताई। अब इतना पर भी ना समझ लो ना तो कभू ना समझ पाएगी। हमका तो इस सब में सुनील के चाल लगा था, हम लोग दुर्गा के ना देल चाहत रानी ना, यही खातिर यही से वो दुर्गा के गायब कर देला। यह कहल चात बानी ना आप, कितना बढ़िया ख्याल बा, नताशा तो हमार सहेली है, वो हमके बहन मानी ला, वो हमार मदद उस समय कहली जब हमार आपन साथ छोड़ देंगे, और आप तो हमार पति होके भी हमार साथ ना दे ले। सुनील और नताशा ना होते पता नहीं हम जिंदा रहती कि ना। अबहू कबहू तो लागत था आपके दिमाग में शक के अलावा कुछ है ये नहीं खे। सच्चाई जब तोके पता चली ना तब तोहरे समझ में आई। अगर ऐसन हुई तो हम अपन जिंदगी खत्म कर दे। इतना भरोसा? भरोसा ही ना, हमार अटल विश्वास है। आप बैठी कुछ देर और आपके साथ रहा तो हमार दिमाग भी आप जैसन हो जाए। दा, कुछ बोलो चले जाता हूँ। चुप हो जाए, हमार तो बिटिया गायब बा, पता नहीं कौन हाल में बा, कहाँ बा, हमके तो बस दुर्गा की चिंता बा। आपके जौन भी सोचन के बा सोची, शक करे के बा शक करी। पता नहीं कब पुलिस के फोन आ जाए और दुर्गा के खबर मिल जाए। यहाँ रुकले से अच्छा बा कि हम नताशा के घरे चल जाए ताकि दुर्गा के कुछ खबर मिल जाए। चीजा जी और नताशा परेशान हुई है, हम जातन। बाबा गोरखनाथ, जहां भी हमार दुर्गा हुई ओके रक्षा करिए। नताशा, सुनील मुझे मेरी दुर्गा चाहिए, चाहे कैसी भी लाओ कैसी भी लाओ, लेकिन मुझे मेरी दुर्गा चाहिए। नताशा पागल मत बनो, दुर्गा जहां भी होगी मिल जाएगी। दुर्गा तो हमारी देखरेख में थी, हम उसकी देखभाल कर रहे थे, और ऐसे में वो गायब हो गई। कहीं यशोदा और अरविंद को ये न लगे कि हमने बेटी की लालच में दुर्गा को कहीं छुपा लिया है।
मुझे भी डर है अगर दुर्गा को कुछ हो गया तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। नहीं सुनील, इतना बड़ा लांछन हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हाँ नताशा, वाह समझा है आप लोगों ने हमें, पल भर में पराया बना दिया। और नताशा तुम्हें तो सोचना चाहिए, तुम्हें तो समझना चाहिए हमें। कौन था इस मुंबई शहर में हमारा? अरे दुर्गा पर तुम्हारा हक था, है और हमेशा रहेगा। फिर क्यों सोचते हो आप लोग ऐसा? ऐसा सोचकर आप लोगों ने हमें हमारी नजरों से ही गिरा दिया। दूसरी तरफ इतनी बड़ी भाग, और जाएंगे हम लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। टूट जाएंगे नताशा हम, पर आप लोग भी ऐसा सोचेंगे तो शुदा, पहले तुम बैठो। यशोदा मुझे माफ कर देना, मैं भी इंसान हूं, पता नहीं मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे। दुर्गा को अपने बीच में ना पाकर मन बड़ा चिंतित हो रहा है, मेरा मन वश में नहीं है। हे भगवान, दुर्गा जहां भी हो सही सलामत रहे, उसके सारे दुख मुझे दे देना, उसे कुछ ना हो भगवान।